हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है और आप सभी का स्वागत है इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज में, जिसमें हम एक वीडियो प्लेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं। जो ऐप हमने अब तक बने हैं वो कुछ ऐसे है, इसमें अब तक हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। अगर किसी पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ फ्रैगमेंट चेंज होता है, नथिंग मच। ओके, इस वीडियो में चाहते हैं कि हम इसके थीम्स पे थोड़ा सा वर्क करें, विच मीन्स मैं ये जो ऊपर का कलर है, ये कलर जो है मैं वाइट चाहता हूँ। ओके, मैं ये कलर नहीं चाहता जो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है। एंड ये टेक्स्ट कलर मैं ब्लैक चाहता हूँ। एंड ये जो ऊपर का है मैं अपने हिसाब से चाहता हूँ। लेट्स से अगर यहाँ पिंक है तो वहाँ पे भी पिंक होना चाहिए। ओके, एंड अनदर थिंग, लेट्स से अगर मैं ब्लैक थीम में आता हूँ, मीन्स डार्क मोड स्टार्ट करता हूँ, आप देखोगे सब कुछ डार्क दिखने लग गया इसके अंदर एंड ये उतना अच्छा नहीं दिखता। ओके, सो मैं नहीं चाहता कि एप्लीकेशन डार्क मोड स्विच कर पाए अगर वो डार्क मोड में भी हो। मैं चाहता हूँ वो लाइट मोड में, मीन्स वाइट कलर ही दिखाई दे यहाँ बैकग्राउंड में, जब तक मैं नहीं चाहता कि वो चेंज हो जाए। सो ये भी हमें फिक्स करना है। सो लेट जस्ट स्टार्ट। ओके, सो एंड्रॉइड स्टूडियो में आ जाता हूँ मैं अपने, एंड सबसे पहले थीम्स में आते। सो प्रोजेक्ट, इसमें रिसोर्सेस के अंदर वैल्यूज में थीम्स। ओके, सो यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो के थीम्स डिफाइंड होते हैं। बाय डिफॉल्ट सिर्फ एक थीम होगा इसके अंदर। एंड यहाँ पे एक थीम्स डॉट एक्सएमएल नाइट भी दी गई है। नाइट का मतलब है कि डार्क मोड के लिए है, एंड ये वाली रेगुलर मोड के लिए। सो अगर डार्क मोड हो तो नाइट की वैल्यू पिक होनी चाहिए, एंड अगर रेगुलर मोड हो तो थीम्स डॉट एक्सएमएल की। सो हमें फिलहाल नाइट के साथ कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट ऐप को क्लोज कर देता हूँ, एंड उसके बाद लेट्स से इस थीम को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसी थीम को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। एंड इसे मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ, एंड लेट्स से यहाँ पे एक कमेंट डाल देता हूँ, कस्टम थीम। एंड इस थीम का नेम चेंज करते हैं, एंड मैं इसका नेम रखूँगा कूल पिंक नैव। ओके, सो अगर आप सोच रहे हो कूल पिंक नैव क्यों, क्योंकि मैं इसमें कूल पिंक कलर का यूज़ कर रहा हूँ जो मेरा कस्टम कलर है। नैव मीन्स नेविगेशन व्यू को डिनोट करता है। ओके, मीन्स मैं ऊपर एक एक्शन बार चाहता हूँ, इसलिए मैंने नैव रखा है। सो अगर आपको पता है कूल पिंक कलर कौन सा है तो ठीक है, उसे हम लोग ने लास्ट टाइम इम्पोर्ट किया था। एंड उसके बाद यहाँ पे थीम डॉट मटेरियल कॉम्पोनेंट में मैं लाइट भी ऐड करना चाहूँगा, विच मीन्स मैं चाहता हूँ कि डार्क मोड में वर्क ना करे, लाइट मोड में ही वर्क करे। एंड मैं सारी कमेंट्स हटा देता हूँ, ये सेकेंड वन भी, एंड ये स्टेटस बार वाली कमेंट भी हटा देता हूँ। ओके, एंड उसके बाद ये जो हमारा कलर्स है, कलर प्राइमरी, सिंस कलर प्राइमरी वो ऊपर का नेविगेशन बार या एक्शन बार जो था उसका कलर था पर्पल, मैं नहीं चाहता पर्पल हो, मैं चाहता हूँ ये वाइट हो। ओके, सो मैं इसे वाइट सेट कर रहा हूँ। एंड उसके बाद ये जो कलर प्राइमरी वेरिएंट है हमारे स्टेटस बार का कलर है, एंड ये वेरिएंट कलर पे डिपेंडेंट है सिंपली। सो मैं इसे कूल पिंक कर देना चाहूँगा, एंड अगर आपको नहीं पता कूल पिंक तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने कस्टम कलर डिफाइन किया है कूल पिंक, एंड इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू ये है। अब थीम्स में, अब सिंस ये जो कलर ऑन प्राइमरी कलर है तीसरा वाला, मैं नहीं चाहता वाइट हो, क्योंकि वाइट पे ब्लैक ज़्यादा अच्छा दिखेगा, वाइट पे वाइट नहीं दिखता। एंड उसके बाद ये नेक्स्ट वाला कलर सेकेंडरी, मैं इसे कूल पिंक कर दूंगा। अब ये कलर आपको तब इम्पॉर्टेंट होगा जब आप अगर कहीं पे सर्च कर रहे हो या कुछ टाइप कर रहे हो। ओके, वो जो छोटा सा ब्लिंकिंग कर्सर होता है ये उसका कलर है कूल पिंक। एंड दैट्स इट, हमारा थीम सेट हो चुका है। एंड एक एट्रीब्यूट और, मैं नहीं चाहता कि इसमें डार्क मोड पे ये थीम वर्क करे, क्योंकि मैंने थीम सिर्फ लाइट मोड के लिए बनाया है। ओके, मीन सिर्फ वाइट के लिए, एंड मैंने इसे ब्लैक के लिए डिफाइन नहीं किया है, और ये जनरली एंड्रॉयड 10 या हायर एंड्रॉयड्स में प्रॉब्लम देखने मिलती है। सो मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट सेट करने वाला हूँ जिसका नाम होगा फोर्स्ड डार्क अलाउड, ये सेकेंड वन, एंड इसकी वैल्यू मैं फॉल्स कर दूंगा। ऑलराइट, अब यहाँ पे एक एरर है, यह कह रहा है ओवरराइडिंग एक और फाइल बना और उसके अंदर ओवरराइड करो, बट मैं ये नहीं करने वाला। एंड मैं यहाँ पे सेकेंड वन सिलेक्ट करूँगा, सप्रेस विद टूल टारगेट API, विच मीन्स ये सिर्फ तभी वर्क करे तब जो टारगेटेड API क्यू या उससे हायर हो, विच मीन्स एंड्रॉयड 29 या हायर हो। ओके, मीन्स एंड्रॉयड 10 या 11 हो। एंड दैट्स इट, हमारे थीम का वर्क हो चुका है। एंड ये थीम को सेट करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम मेन एक्टिविटी में सेट करें या तो मैनिफेस्ट में करें। सो मैनिफेस्ट में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो थीम दिया गया है, सो अगर आप इसे नीचे देख सकते हो, स्टाइल्स थीम डॉट वीडियो प्लेयर, इसे चेंज कर दो और ये सबके लिए सेट हो जाएगा। बट मैं नहीं चाहता सबके लिए सेट हो जाए, मैं इसे हमारी मेन एक्टिविटी में सेट करना चाहूँगा। एंड वन मोर थिंग मैं करना चाहता हूँ, ये जो पहले वाला थीम है इसका ये जो कलर है मैं इसे ब्लैक करना चाहता हूँ। सो जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो ये पर्पल नहीं दिखाई देगा, वो स्टार्टिंग का जो स्टेटस बार है वो ब्लैक दिखाई देगा उसके लिए। एंड अब मेन एक्टिविटी में आ जाते हैं, एंड
ये सेट कंटेंट व्यू से पहले थीम्स को सेट करना है। सो यहाँ पे एक फंक्शन है जिसका नाम है सेट थीम। सो मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो से लोड नहीं कर पाया तो मैं टाइप कर लेता हूँ ओके। एंड यहाँ पे आर डॉट स्टाइल, क्योंकि ये थीम इसलिए स्टाइल डॉट, यहाँ पे ऑप्शन है कूल पिंक नैव ओके। सो हमने थीम क्रिएट भी कर लिया और इसे सेट भी कर लिया, अब सिर्फ उसे एक बार रन करके चेक करना है। सो मैं इसे रन करके देख लेता हूँ। सो फाइनली ग्रिडल बिल्ड हो चुका है एंड एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। एंड अगर आप देखोगे तो थीम ऑलरेडी चेंज हो चुका है एंड हमारा एक्शन बार का कलर भी वाइट हो चुका है, जो पर्पल था डार्क पर्पल। एंड उसके बाद जो स्टेटस बार था उसका कलर पिंक हो चुका है, जैसा हमने सेट किया था कलर वेरियंट सेकेंड ऑप्शन। एंड अगर मैं डार्क मोड में जाता हूँ, लेट से डार्क मोड, सो इसे डार्क मोड में चेंज करते हैं डार्क मोड। एंड ओके ये अभी भी लाइट में ही, और हम यही चाहते थे कि इसका डार्क मोड ना आए, जब तक कि हम नहीं चाहते, क्योंकि हमने अब तक डिज़ाइन नहीं किया डार्क मोड। हम फ्यूचर में डिज़ाइन करेंगे तब ये प्रॉपरली वर्क करेगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।